आंख तो खोलो, कब तक मिचो रखोगा इन्हें? खोला आंख, ये डूबो, आंख खोल के देख। किट्टू बैठ जा, बैठिए बेटा। डुगू आंख खोल रही है, तेरे नाक पे देखे क्या लग रहा? अब नाक देखना में घुसने को हो रहा, घुस जाएगा तेरी नाक में, देखो घुस गया। हाँ गुजा कहीं नहीं घुसा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डुगू मामा ब्लॉग्स पर। तो देखिए, अब मेरे बच्चे चले गए हैं स्कूल, और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो पूरा मतलब बहुत सुकून सुकून बोलो, मतलब शांति सी हो जाती है घर में। ऐसा लगता है जैसे घर में कोई है ही नहीं, क्योंकि बच्चे रहते हैं तो वही शोर चैमे 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 रहता है, तो उनमें तो फिर हमारा भी शोर, हमारी भी आवाज़ गूंजती रहती है। तो बच्चों के साथ सच्ची में तो बस टाइम का पता ही नहीं लगता है। तो जब वो स्कूल में चले जाते हैं तो बहुत मतलब हाँ टाइम मिलता है, काम भी हो जाता है अच्छे से, सारा वो हो जाता है। तो अभी मेरा काम शुरू होगा, माँ जी ने झाड़ू तो सारे को लगा दिया है, क्योंकि अभी मेरे पे ना कोड़ा नहीं होया जाता, मेरी कमर में दर्द होने लग जाता है। तो अभी मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ, बाकी सारा काम तो कर लेती हूँ, बस झाड़ू अभी मैं झाड़ू नहीं लगा रही हूँ। एक दिन मैंने पोछा लगा लिया था तो मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। पहले तो मैंने झाड़ू लगा ली, उसके बाद मैंने पोछा लगा लिया तो तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, तो फिर इसलिए अभी मैं नहीं कर रही हूँ। तो अभी सारा काम पड़ा है, तो एक्सरसाइज मैं करूँगी, पहले तो मैं नहाऊंगी उसके बाद एक्सरसाइज करूँगी, क्योंकि मेरा पानी गर्म हो गया है, तो मैं आज नहाने के बाद एक्सरसाइज करूँगी। देखिए चूल्हे पे हो रहा है पानी गर्म, तो पहले नहाऊंगी, और बच्चों को नहलाने में भी ना, दोनों को नहलाने में नानी याद आ जाती। तो जी देखिए, ये हो गया है मेरे अब जब काम शुरू। तो अब मैं करने लगी हूँ अपना काम, और सबसे पहले मैं आ गई हूँ कमरे में। तो ये मैं बेड पे कर रही हूँ चादर वगैरह की तय, जो कि हम रात को मतलब ओढ़ते हैं, तो इनकी अभी तय भी नहीं हुई थी। सुबह को तो ऐसे कि जल्दी जल्दी उठ जाते हैं, फिर जल्दी जल्दी काम रहता है बहुत सारा, तो उसमें लग जाते हैं। तो ये देखिए जी, मैंने यहाँ पे ना गद्दे उठाए थे, मैंने कहा लाओ एक बार गद्दों को ना उठा के सही करके बिछा देती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे। और जब मैंने गद्दा उठाया देखा तो इसके नीचे ना कोने में कॉकरोच, मतलब कि कॉकरोच दब रहे। बताओ भैया, यहाँ भी कॉकरोच थे सच्ची में। फिर मैं वो लेके आई, क्या बोलते हैं कॉकरोच का स्प्रे आता है वो, नाम ध्यान नहीं है मुझे। तो फिर मैंने सारे को वो डाला है, तो ये देखिए मैं वो सारे को डाल रही हूँ, सारे को वो मैंने कर दिया था, फिर खैर वे भाग गए थे। तो उसके बाद फिर मैं चादर वगैरह बिछाऊंगी अच्छे से, और कॉकरोच ने इतना परेशान कर दिया, मैंने कम मतलब पूरे घर में छिटका था ना, मैंने पूरे घर में डाला था, मैंने कल ही डाला था पूरे घर में, रात को मैं डाल के सोई थी, तो उस वजह से ना यहाँ लुक गए वे, गद्दे के नीचे लुक गए। तो देखिए जी, मैं सारी साफ सफाई की मैंने, उसके बाद मैं नहाई धोई सारा काम किया। तो उसके बाद देखिए अब लग गई हूँ मैं एक्सरसाइज करने। तो ये देखिए मैं धीरे धीरे कर लेती हूँ अपनी एक्सरसाइज जितनी मेरे पे होती है, जैसे पहले करती थी, मतलब तबीयत खराब होने से पहले। ऐसे तो नहीं हो रही है, पर जैसे भी हो रही है कर रही हूँ धीरे धीरे, धीरे धीरे करूँगी तो होने लग जाएगी। ये है कि जैसे मैं शुरू में करने लगती हूँ, मैं क्या हम कोई भी जैसे हम पहले करने से पहले एक्सरसाइज करने से पहले सोचते हैं ना कि हाई हमारे पे नहीं होगी, हल्का सारा ये आ रहा, पर जब हम एक बार करने लग जाते हैं ना, तो फिर हमारा मन लग जाता है एक्सरसाइज करने में, और फिर अच्छे से हो जाती है। और जब मन लग जाता है तो 1 घंटा आधा घंटा कब चला जाता है सही में बताऊं, पता भी नहीं चलता है, और मुझे सही में नहीं पता चलता है। अब तो मैं सही में बताऊं, झूठ नहीं बोलूंगी, आधा घंटा भी नहीं कर रही हूँ, 15 मिनट मुश्किल से करती हूँ, 10 मिनट, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। तो इतना भी करते हो आप, इतनी भी बहुत है। और हालांकि जैसे मेरी तबीयत खराब है, तो उसके तबीयत खराब रहने के बावजूद मैं इतनी कर रही हूँ, मेरे लिए यही बहुत है। और एक्सरसाइज तो हमें कर लेनी चाहिए, जितनी भी हमारे पे हो तो हमें कर लेनी चाहिए। तो देखिए मैं धीरे धीरे लगी हुई हूँ जितनी मेरे पे हो रही है, और मैं आपको भी यही कहूँगी कि हाँ जितनी आप कर सकते हो उतनी करो, ज़्यादा फ्रेंड्स, अब लोड भी देखिए ना अब मेरी डालो अपने पे, एक्सरसाइज पर हो गई है करो। पूरी, तो अब मैं कुछ नाश्ता वगैरह देखूंगी क्या नाश्ता करूंगी, और आज मैं नमक का कुछ नहीं खाऊंगी, आज मैं पूरे दिन मिठाई खाऊंगी, जो भी खाऊंगी मतलब मीठा नहीं मतलब फीका खाऊंगी, नमक का कुछ नहीं खाऊंगी।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया है मेरा नाश्ता तैयार। और नाश्ते में है मेरे दूध है और लड्डू है। तो देखिए, ये मेरा एक लड्डू है नाश्ते में, एक केला है। तो आज मैं नाश्ते में यही खाऊंगी। और यही क्या, आज क्या मैं नाश्ते में यही खा रही हूँ, कई दिन हो गए मेरे नाश्ते में यही है, दूध है और लड्डू है। रोटी वगैरह मैं नहीं लेती हूँ नाश्ते में अभी, तो यही चल रहा है मेरे नाश्ते में। तो देखिए, मैं आ गई हूँ अंदर, अब मैं कर रही हूँ अपना नाश्ता। तो देखिए, नमक का कुछ नहीं खाना, और ये मैंने इतना हो गया है ना, इनसे मैं बहुत ज़्यादा छक गई थी। तो देखिए, नाश्ता करने के बाद, तो देखिए आप कर रहे हैं, हम गेहूँ साफ यहाँ पे। तो मतलब कई दिनों से बारिश हो रही थी, तो हमारा आटा ख़त्म हो रहा था, तो फिर यहाँ पर गेहूँ साफ कर रहे हैं। और थोड़ी बहुत इन पर धूप लग जाएगी तो ये पिसने चला जाएगी। तो देखिए, ये कर दिए हैं गेहूँ साफ, और ये मैंने धूप में डाल दिए हैं। मतलब मैं वो कर रही, माँ जी उसमें वो छाज मार रही है, और मैंने छान के यहाँ धूप में डाल रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने धूप में डाल दिया है और माँ जी कर रही है साफ। तो देखिए, माँ जी अभी लगी हुई है साफ करने में, और मैं कर रही हूँ यहाँ पर चूल्हा साफ। तो मैं लग गई हूँ चूल्हा साफ करने में। तो देखिए, आज मेरा सॉल्ट फ्री डे है, तो ये मैं लगी हुई हूँ काम में। और सही बताऊँ, दूध और वो लड्डू और केला इतना भारी हो जाता है, क्योंकि मैं उसमें अभी इतनी छकी हुई हूँ, क्योंकि मुझे दोपहर तक वैसे भी भूख नहीं लगने की है। तो पर ये है कि थोड़ा सा नमक की याद आ ही जाती है, और मुझे ना बीपी की प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। पर कोई बात नहीं, आज देखते हैं करके। तो देखिए, मैं यहाँ पे चूल्हा लीप रही हूँ। और साल्ट फ्री डे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हाँ, इसमें खाना वगैरह को जितना हो सके मतलब छोड़ दो, मतलब अवॉइड करो। मतलब ये है कि हाँ, पानी वगैरह ज़्यादा पियो, और खीरे वगैरह ये सब चीज़ ज़्यादा खाओ। नहीं, क्या हो गया इनसे? डुगु, मेरी भाई सुन, एक पत्ती खाई थी तूने स्कूल में, फिर क्या हुआ था? क्या हुआ था? अच्छा, कैसी लगी थी वो? खट्टी लगी थी, कड़ी भी लगी थी? कड़ी भी लगी थी। अरे ये खा रही आकर ये कड़वे नहीं लग रहे, थूकी है ना, ले जा अंदर, तुझे मच्छर खावे, अंदर ले जा। यहाँ बैठ जा बेटा, बाबू बाबू यहाँ बैठ, यहाँ बैठ, इसे किट्टू कितने मच्छर खाते हैं ना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कर रही हूँ मैं अपना दोपहर का लंच तैयार। तो लंच में मैं आज खाऊंगी, तो ये देखिए मैं काट रही हूँ यहाँ पे खीरा, खीरे काट रही हूँ, और टमाटर काटूंगी और प्याज काटूंगी, तो इनकी चाट बनाऊंगी। तो मतलब नमक तो नहीं डालूंगी, कुछ नहीं डालूंगी मैं इनमें, सिर्फ इन्हें काटूंगी और मिक्स करके तब खाऊंगी। तो सही में बताऊँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, तो मैंने इसमें नमक डाल के नहीं खाया था, बिल्कुल ऐसे ही खाए थे। और साल्ट फ्री डे में हमें बिल्कुल फीका ही खाना खाना चाहिए, जो भी हम खाते हैं उसमें नमक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हफ्ते में एक दिन ऐसा होना चाहिए 32 के फार्मूले में। अगर आप डाइट पर हो तो हफ्ते में एक दिन ऐसा होना चाहिए कि जिस दिन आप नमक ना खाओ। तो देखिए, मैंने नमक नहीं खाया था, तो देखिए अब मैं खाने लग गई हूँ। और सही में बताऊँ, रात को मैंने नमक खाया था, क्योंकि मेरा बीपी लो होता है, तो उस वजह से मुझे रात को खाना पड़ता, और नहीं तो मेरी तबीयत ख़राब होने लग जाती है। तो इस वजह से मैंने रात को नमक का खाया था। बस ये कि मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया था नमक का, बस ये कि मैंने पानी वगैरह ज़्यादा पिया था। दोपहर का टाइम, तो मेरा खाना वगैरह हो गया है। तो खाना आपको पता ही है मैंने क्या खाया है, तो सैलेड खाया है मैंने, सलाद खाई है, तो उनमें मैंने कोई नमक नहीं डाला था। और मैं आपको अपनी बताऊं, मैंने सुबह से अब तक कोई नमक नहीं खाया है, और मैं शाम को नमक का ज़रूर खाऊंगी, क्योंकि मेरा बीपी डाउन होता है। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं शाम को भी नमक ना खाऊं, क्योंकि बीपी की दिक्कत है, मेरा बीपी बहुत ज़्यादा घट जाता है, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, उसकी वजह से फिर मुझे प्रॉब्लम होती है। तो हाँ, बस जिनका भी बीपी डाउन होता है वे दिन में तो कर सकते हैं, बट ये है कि हमें शाम को नमक खाना ज़रूर है, क्योंकि फिर ज़्यादा नुकसान दे जाएगा, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो उससे ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना, कि अपनी तबीयत भी नहीं बिगाड़नी चाहिए, अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा ही मैं करूँगी, क्योंकि मुझे अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना है। अभी फ़िलहाल कम से कम यही 10-5 दिन पहले मेरा बीपी बहुत ज़्यादा घटा था, मेरा बहुत ज़्यादा घट जाता है, जिसकी वजह से फिर मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसीलिए तो बस ये है कि हफ्ते में आप एक बार करो, पर यह है कि जैसे जिनका बीपी डाउन होता है ना, तो वे शाम को नमक का खा सकते हैं, और जिनका नहीं होता है, वे शाम को नहीं, वे अगले दिन नमक का खा लो, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जिनका बीपी घटता है उनके लिए ये बात है। तो जी, यही था मेरा आज का। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए जी, बाय बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।